Hello and welcome to Abhipedia, powered by Abhimanyu IAS. I'm Shahid Ali and today I'll be talking on MCQs on Animal Husbandry and Fisheries under Agricultural Rural Development topic for NABAD Grade A exam. So before we start, I must check whether I'm audible or not. so guys am i audible please do let me know if anybody there hello good evening सो बिफोर आई स्टार्ट वी हैव एन अनाउंसमेंट कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लाइव कोर्स फॉर ए आर डी कार्ड और कब से हम लॉन्च कर रहे हैं फॉर द कमिंग फ्रॉम दिस कमिंग मंडे दैट इज ट्वेंटी फोर्थ में टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जो लोग लाइव कोर्स लेना चाहते हैं सेशन को अटेंड करना चाहते हैं दे केन रजिस्टर दम सेफ़ और लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो so गाइज अगर आप लाइव आना चाहते हैं मेरे साथ तो रजिस्टर कराइए और मिलेंगे हम इस मंडे दैट इज ट्वेंटी फोर्थ में टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज सुरती ब्रीड ऑफ बफेलो इज फाउंड इन देर आर फोर स्टेट्स गिवन गुजरात महाराष्ट्र उड़ीसा एंड हरियाणा सो पे दी गई है सो यू कैन टेल सो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है इसमें से तो प्लीज आप सोच के बता सकते हैं आल बी वेटिंग फॉर यू गाइज आइडिया सोचिए सोचिए फटाफट चलिए मैं बताता हूं द आंसर इज गुजरात ए so, सो सुरती बाकी स्टेट जो लिखे हैं जैसे महाराष्ट्र इसमें कौन सी मिलती है नागपुर इसमें मिलती है जी महाराष्ट्र में और उड़ीसा में कौन सी मिलती है मेडी और मुर्रा पाई जाती है हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है सो दिस वाज अर फर्स्ट क्वेश्चन यस वेरी गुड नीलेष एक्सीलेंट चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो

बटर मिल्क सो नीले सी राइट राइट आंसर क्या कहते हैं कंडेंड मिल्क सो क्रीम क्या होती है बटर मिल्क क्या है यह क्या, है? so, क्या होते हैं जी क्रीम क्या जब मिल्क को चर्न किया जाता है तो उसमें से फैट ऊपर आ जाता है तो वो दैट इज क्रीम

अमेरिकन है यूरोपियन है तो हमें क्या देखना है इनमें से इंग्लिश कौन सी है तो बताइए चार ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट इज प्लाईमाउथ रॉक रोड आइलैंड रेड न्यू हेम्पशायर बी ऑप्शन क्या है ब्रह्मा कोचिन लैंगन थर्ड इज सी जो है लेगहनोजा एंड डी इज कॉर्निश एंड ऑस्ट्रॉप सोच के बताइए फटाफट एनी आइडिया यस पार्टिसिपेट कीजिए आज पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम चल रहा है इतना डिफिकल्ट नहीं आज बड़ा आसान है आज तो ओके नीलेश सिंह डी यस एक्सीलेंट नीलेश सो डी इज द राइट आंसर तो जो बाकी ऑप्शन है अब इसमें से थोड़ा सा आइडिया लगाइए अगर आपको ज्योग्राफी पता है आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो ये थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कहाँ से कि अगर मैं एक ऑप्शन ए पे जाऊँ रोड आइलैंड न्यू हेम्पेर ये कहाँ पे है ये अमेरिका वाला पार्ट है बी में आइए ब्रह्मा कोची तो ये कहाँ पे है ये एशिया वाला पार्ट है अब ये बच का कन्फ्यूजन इनमें हो सकती है आपका लेघन मिनोजा और कॉर्निश में तो जो सी है दैट इज मेडिटेर यानी कि यूरोपियन है वो वेराइटी और जो कॉर्निश एस्ट्रोलॉप है ये कहाँ के ये इंग्लिश ब्रीड है फाइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अगेन दो स्टेटमेंट है तो हम स्टेटमेंट की बात करेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और हमें क्या देखना है विच ऑफ द अब स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट तो हमें सही वाली देखनी है गलत वाली नहीं देखनी है तो मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं फर्स्ट इज एम्ब्राय ट्रांसप्लेटेशन मैथड ऑफ ब्रीड इम्प्रूवमेंट हैज बिन क्वाइट सक्सेसफुल इन काज अ वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड क्या कहती है अनलाइक आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन दिस मैथड लो सक्सेस रेट ड्यू टू

हेल्दी थिंग इट्स इज सेलेके नील पुजारी सिंह बी ओके चलिए दो लोग हैं दोनों का ओपिनियन अलग अलग हो गया यानी कि अब कंफ्यूजन दोनों को हो चुका है Obvious है कि किसी का भी आंसर सही हो सकता है तो चलिए मैं आंसर की बात कर लेता हूं अगर मैं बात करूं जैसे स्टेटमेंट वन है एम्ब्रायो ट्रांसप्लांटेशन जो है एंड बफेलो में नहीं होता है जी इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है तो ये जाता है गोट एंड शीप में होता है सो so, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है होना किस में है ये गोट एंड शीप के लिए होता है ये फाइन सो so, इसका मतलब स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग सेकेंड इज करेक्ट सो वन इज रॉन्ग सेकंड इज करेक्ट सो आंसर बी नवनीता सिंह सी गुड अटेम्प्ट नवनीता बट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर बोथ आर नॉट क्योंकि अब देखिए आप लोगों को यह चीज पता है गलती आप लोग कहां कर रहे हैं स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना पड़ता है जो इसके की वर्ड्स हैं हम इसे ध्यान रखिए जब भी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके की वर्ड्स जरूर हमें ध्यान रखना कि किस चीज की वो बात कर रहा है और क्या जानना चाह रहा है हमसे है ना तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात हो रही है इन दोनों की बात हो रही है किस चीज़ के लिए बात हो रही है वो भी देखना है आपने जबकि ये गोट के लिए होता है और शीप के लिए और यहाँ पे हम मैंने क्या लिख दिया काउंट बफेलो तो यहीं से गलत कर दिया मैंने, फाइन चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइबर हाइड एंड स्किन यील्डिंग एनिमल्स है आज लगता है मुझे क्वेश्चन सभी को थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे या लग रहे होंगे बड़े आसान है ना फैक्चुअल से लग रहे दोनों है यहाँ पे फैक्चुअल भी रहेंगे कंसेप्चुअल भी रहेंगे क्योंकि एग्जाम में यू नेवर नो कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन मैंने डाला है वो कौन से ऐसे एनिमल्स है जिसे हमें फाइबर हाइड्रो स्किन मिलती है तो सोच के बताइए आर फोर ऑप्शन तो मैं आपको देता हूँ ट्वेंटी सेकेंड्स चलिए देखिए बड़ा आसान सा सवाल आल वेट फॉर यू गायस तो कौन बताने वाला है मुझे सबसे पहले नीलेश सिंह ए ओके नीलेष गुड अटेम्प्ट वट अबाउट अदर्स और क्यों क्या राय है जी एनी आइडिया ओके नील पुजारी सिंह ए यस एक्सीलेंट सही जवाब है गोविंद सिंह सी सो so, सी में आ गए हैं गोविंद थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अच्छा यहाँ पे मुझे लगता कन्फ्यूज़न है आप लोगों को भी एलिफेंट कैन नॉट यस देखिए अब यहाँ पे फाइबर हाइट तो आपको पता लग रहा होगा है ना स्किन अब अगर हाइट और स्किन की बात करें एलिफेंट की स्किन आपने देखा कभी कुछ बनता हुआ अब ऐसे उस पर आ जाइए आपने देखा कभी पिक किया डक की उसका कुछ बनता हुआ तो ना एलिफेंट है ना पिक डक है तो ये ऑप्शन अपने आप निकल जाते हैं अगर मुझे कुछ नहीं पता तो मैं ये मेथड अपनाऊंगा एलिमिनेशन जो मैंने आपको पहले बताया कि जो क्वेश्चन होते हैं या तो आपको आंसर एग्जैक्ट पता होगा अगर नहीं पता तो आप क्या करेंगे आप एलिमिनेशन मेथड पे जाएंगे कन्फ्यूज़न है यहाँ पे क्योंकि चार पांच नाम डाले हुए हैं तो उसमें से आप पहले ढूंढें अगर आपको नहीं पता कि कौन सा नहीं हो सकता है लेफ एंड नहीं, नहीं हो सकता यहाँ पे आपको पता है कि उससे उसकी स्किन को नहीं यूज़ किया जाता है ना वो फाइबर देता है ना वो स्किन देता है ना तो उसी तरह से पिग है

कई होती हैं, बैक्टीरियल भी हो सकती है प्रोटोजोआ पैरासाइट कुछ भी हो सकता है वायरल तो इनमें से जो चार ऑप्शन से वायरल डिजीज कौन सी ये आपको बताना है चलिए कौन बताने वाला है सो so, नीलेश का जवाब सब सबसे पहला आ गया है नीलेश सिंह सी ओके okay, चलिए और कोई बताना चाहे फटाफट से यस यस आई एम वेटिंग आपको बता देता हूं कंफ्यूजन हो रहा होगा कंफ्यूजन कहा देखे माइक्रोप्लाजमा डिजीज जो है ये एक वायरल डिजीज है बाकी जितनी भी लिखी हुई है ए बी सी ये सारी बैक्टीरियल डिजीज है जी फाइन और ये आपको क्लासिफिकेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए मोटी मोटी सी कि वायरस की कौन सी है और बैक्टीरिया वाले डिजीज कौन सी हैं ठीक है और अगर और वायरल डिजीज की बात करें न्यू कैसल डिजीज है फॉल पॉक्स है है डिजीज जो ये वायरल हैं तो इस तरह से थोड़ी क्लासिफिकेशन भी सीखे क्योंकि हम जनरली इंफेक्शन को लेकर रट्टा मार लेते हैं क्रैम कर लेते हैं उसको फाइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं सो so, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये तो सभी बता पाएंगे क्वेश्चन इज एग्री बेस्ड

सिस्टम, ओके मंजुना सिंह ए तो तीन जवाब हैं तीनों अलग अलग हैं तो सहमति नहीं बन पा रही है किसी की भी ऑल राइट नो इश्यूज चलिए मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या हो सकता है और क्या है देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन में से आंसर निकल आएगा इसका तो एग्री बेस्ड उसने बोला एग्री बेस्ड फिश फार्मिंग सिस्टम तो दो होती है, एग्री बेस्ड होती है, है? तो है? तो है? है। मशरूम फिश सिस्टम बच जाती है, बाकी नहीं है सो इसका जो आंसर है वो बी है सो मशरूम इज द राइट आंसर कॉन्ग्रेट जिसने आंसर बी दिया है फाइन तो बाकी जो एग्जाम्पल किसके हैं वो लाइफ स्टॉक उसकी फार्मिंग की है लाइफ स्टॉक फिश फार्मिंग की है और जो और एग्जाम्पल की बात करूँ अगर मैं एग्री बेस्ड की तो उसमें राइस फिश आ जाता है सेरीकल्चर फिश आ जाता है या हॉर्टिकल्चर फिश जो फार्मिंग आ जाती है तो इस तरह की फार्मिंग सिस्टम हमारे होते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट से सो so हमारे पास एक सवाल आ गया है बड़ा आसान है ये तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पता होगा मिकल इज इंजेक्टेड इन टू केटल और बफेलोस बिफोर मिल्किंग टू हैव इनक्रीज मिल्कशन मिल्किंग से पहले उनकी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या करते है? को, को एक टीका लगा देते हैं इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो कौन सा केमिकल उसमें डाला जाता है कौन सा केमिकल का हम इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोसिनक्टोसिन ट्राइक्लोसन या पायरी मिथेमाइन तो कौन बता रहा है मुझे मंजुना सिंह बी नीले सिंह बी ओके सौम्य सिंह ए ऑक्सीटोसिन बोल सकते हैं आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग देखिए यहां पे जो सही आंसर क्या है लव हार्मोन्स यूज किया तो उसको रिलैक्स करने के लिए दैट इज ऑक्सीटोसिन ये यूज किया जाता है बाकी जो है या तो वो एंटीबायोटिक है या एंटी है पैरासाइट को मारने के लिए दवाई वो सारी दवाइया हैं तो जो ऑक्सीटोसिन है बेसिकली ये रिलीज होना चाहिए और ये नेचुरल होता है और इसके अब जो स्टडीज कह रही हैं कि हार्मफुल इम्पैक्ट भी आ रहे हैं किस पे कि हम लोग दूध पीते हैं और दूध में ऑक्सीटोसिन हो रहा है उससे एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहे हैं बच्चों के ऊपर फाइन सो ए इज द राइट आंसर चलिए कॉन्ग्रेस जिसने ए बोला है फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन किया और आ, आ, बढ़ते हैं सो द क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ अन बर्ड फ्रॉम फ्लॉक इज नोन एज वाटॉन क्यूलिंग मॉलिंग या सेग्रीकेशन क्या कहा जाता है बड़ा आसान सा सवाल है सभी को बताओगे फटाफट से बता दीजिए कौन बताएगा मुझे सबसे पहले एनी आइडिया सो सौम्य सिंह डी सेग्रीगेशन ओके और कोई आइडिया लगा पाए हेलो निकेत हाई वेरी गुड इवनिंग सो नीलेष सिंग बी क्यूलिंग और कौन बताएगा दो जवाब हैं दोनों अलग अलग आए हैं सही कौन सा है हम देखेंगे दोनों सही हैं, दोनों गलत वो हम देखते हैं पर पहले देखते हैं कोई कोई और जवाब देना चाहे तो राइट right. चलिए इसका जवाब मैं बता देता हूँ so, सुनते होंगे न्यूज में जब क्या होता है क्योंकि बीमारी फैलती है तो बर्ड्स की क्यूलिंग शुरू की जाती है बाकी जो है सेग्रीगेशन करना कुछ और चीज हो जाती है यहाँ पे वर्ड सेग्रीगेशन नहीं यूज किया जाता है मॉलिंग और कैपॉन क्या, क्या है जी मॉलिंग में क्या होता है उसको इंजर्ड करना बर्ड को उसको अटैक करना फाइन और कैपॉन क्या, क्या है जो फ्लैश है या फूड है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो किया जाता है वो है ये सो बी इज द राइट आंसर यस बी इज द राइट आंसर जी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो दो स्टेटमेंट है इट द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट अब कौन कौन सी मैं पढ़ देता तो हूं हमें क्या बताना विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट ठीक है तो हमें सही स्टेटमेंट ढूंढनी है यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज ब्रूडिंग इज द केयर एंड मैनेजमेंट गिवन टू यंग चिक्स

ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट सो मंजुना सिंह ए ओके राइट चलिए और कौन बताना चाहे मुझे कमॉन कमॉन पार्टिसिपेट कीजिए भाई क्या कर रहे हैं आज आप लोग मुझे लग रहा कि इतने, इतने है ईजी हैं या इतने डिफिकल्ट आज लेवल है ना या वियड लग रहा है ओके मंजुना सिंह ए यस थैंक यू मंजु और नीलेष सिंह ओनली टू ओके थैंक यू नीलेष है ना अभी देखते हैं कि क्या होने वाला है कौन सा सही जवाब और कौन सा गलत न्यूली नायक सी दोनों सही है इनके अकॉर्डिंग ऑल राइट एनी आइडिया को फटाफट 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 चलिए पांच सेकंड में और वेट करता हूँ देखता हूँ कौन बताने वाला है मुझे फटाफट से मंजू सिंह ए नीले सिंह टू यानी कि बी और न्यूली नायक से ना तो सभी के आंसर जो तीनों के आंसर अलग अलग हैं अब कौन से सही होने वाला है No, sir. What is no, sir? कोई आंसर आंसर नहीं चलिए मैं इसका क्या है। जो तो की बात करें ये है। जो दूसरी है वो नहीं है क्यों नहीं है जी? This is the answer कि जो उनकी ब्रूडिंग है वो कब तो तक होती है थ्री टू फाइव वीक तक की जाती है ना कि टेन टू ट्वेल्व वीक तक सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग सो आंसर क्या है ओनली वन ए इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास विच ऑफ तो किसे कहा जाता है यहाँ पे चार स्टेटमेंट दी गई हैं तो इनमें से एक है जो करेक्टली डिफाइन करता है ड्रॉट एनिमल को तो मैं पढ़ देता हूं स्टेटमेंट सेज मिल्क एनिमल्स विच हैव सीज टू प्रोड्यूसिंग मिल्क तो ये भी हो सकता है दूसरा अ अस्ट्रॉग वर्किंग एनिमल यूज टू ड्रॉ लोड कार्ट अपलो एटसेट्रा सी एनिमल्स वर्क स्पेसिफिकली इन द एरियाज या डी ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो कौन बताने वाला है ओके किस किस का जवाब आ गया बड़े सारे जवाब आ गए इतनी जल्दी फास्ट फास्ट वेरी गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट ओके मृणाल सिंह बी नीले सिंह बी अनिके सिंह बी गौतम सिंह बी मंजुनाथ सिंह दिस, दिस 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 ए बी बी सो बी के वोट ज्यादा पड़े हैं बी इज द वैसे भी करेक्ट आंसर तो जो स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है जो हम लोड के लिए यूज करते हैं काट में यूज करते हैं प्लो में यूज करते हैं दे आर ड्रॉट एनिमल्स ऐसा नहीं है कि जो ड्रॉट एरिया में यूज किया जाए उनको हम ड्रॉट एनिमल बोलते हैं तो ये गलत है और ये नहीं कि जो मिल्क प्रोड्यूस करना बंद करते हैं उसको ड्रॉट एनिमल बोला जाता नो सो राइट आंसर इज द बी Fine. और इसमें जो ब्रीड्स हैं वो कौन कौन से आते हैं खिल्लार अमृत महल हल्लीकर रेड कंधारी, राठी ये कुछ renowned animals हैं, गौतम yes, सभी ने बहुत अच्छा बहुत अच्छा जवाब दिया है, अच्छा, वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं सभी को बताओगे फटाफट से जवाब दे दीजिए द क्वेश्चन इज एच वन एन वन इज ऑल्सो नोन एज वर्ड इट इज बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू ह्यूमन फ्लू कुछ भी नहीं होता भैया तो एच वन एन वन कौन बताने वाला है मुझे फटाफट से बताइए इतना आसान सवाल ये न्यूज पेपर में अक्सर आजकल भी घूम ही रहा था क्योंकि ये इशू उठा था अभी कुछ इस चीज को लेके है ना चलता रहता है तो कौन कौन बताने वाला है so, सो स्वाइन फ्लू गौतम सिंह बी स्वाइन फ्लू गाइस कम ऑन कोशिश कीजिए नीलेश सिंह बी मंजुना सिंह बर्ड फ्लू ओके okay, एक जवाब थोड़ा सा हो गया है कोई बात नहीं सो आंसर इज बी स्वाइन फ्लू इज द राइट आंसर होता क्या है disease है किससे होती है जी से से होती होती है है होती है जो कि में पाया जाता है. फिर बर्ड फ्लू क्या होता है H5N1. तो ध्यान रखिए बस इतनी सी बात पे चेंज हो सकता है question. H5N1 और H1N1, दोनों अलग अलग है दिस इज स्वाइन फ्लू और अगर एच फाइव हो जाए तो ये क्या हो जाएगा दिस इज बर्ड फ्लू फाइन ऑल राइट एक्सिलेंट सौम्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया कितना आसान सवाल चार ऑप्शन है आपके पास राजकोट अहमदाबाद सूरत आनंद सभी को होगा। कौन बताने वाला है? मुझे फटाफट से नील सिंह आनंद जवाब आ भी गया ओके नायक सिंह डी गौतम सिंह आनंद भरत रेड्डी सिंह आनंद अनिके सिंह आनंद एक्सीलेंट आनंद इज द राइट आंसर क्यों कहा जाता है जी अमूल का जो हेडक्वाटर अमूल की फैक्ट्री जो है वहीं पे लगी थी वहीं पे है तो जो मिल्क रेवोल्यूशन है कह लीजिए हब तो वही था है ना आज भी अमूल इतना बड़ा नाम है उसका सो हेड क्वार्टर है वहां पे अमूल का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नाउ अब थोड़ा से प्रोग्राम की तरफ बात करें कुछ फैक्चुअल कुछ कॉन्सेप्चुअल जैसे चल रहा था यहाँ पे थोड़ा सा स्कीम्स है गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम था उसके बारे में एक स्टेटमेंट है क्या है स्टेटमेंट वो पढ़ते मैं कि कौन सा प्रोग्राम है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम

नी आइडिया सो दे गौतम सिंह सी मंजुना सिंह एके तो गौतम के अकॉर्डिंग बोथ आर करेक्ट ऑल राइट अनिके सिंह सी ऑल राइट है ना ओके सौम्या सिंह ए हम्म तो मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं इसका मतलब नॉलेज अच्छी है उनकी अब देखिये मैं बताती हूँ उसका आंसर क्या होने वाला है फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें इट वॉज लॉन्च टू कंट्रोल एफ एम डी के लिए था इसी के लिए किया गया अब हंड्रेड है, है, थोड़ी सी, थोड़ी सी वैक्सीनेशन है, है, के है चिकन के लिए नहीं है जी बस यही शब्द जो है एक बीच में डाल दिया गया की वर्ड्स ध्यान रखिए यही ले डूबे के एग्जाम में कि भाई हमने ध्यान नहीं दिया था तो अब क्या करें गलत हो गया हमारा जब आप सो इज द राइट आंसर 2019 में किया गया था टारगेट क्या है सारे कवर हो जाते हैं जी के लिए बिल्कुल है ये चिकन नहीं कवर होता बाकी सभी आ जाते हैं इसमें पोल्ट्री नहीं है ना फिशरी नहीं है बाकी सभी आ जाते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब ये क्या है जो दूसरा गवर्नमेंट की स्कीम से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सो so, अब कौन बताने वाला है मुझे चार स्टेटमेंट हैं अबाउट द नेशनल लाइव स्टॉक मिशन ये ध्यान रखिए इट वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड ये पहले स्टेटमेंट दूसरा इट वॉज फॉर्मुलेटेड फॉर द डेवेलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर ओके सी इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव

चलिए जवाब आ गया है मंजुनाथ सिंह डी नीले सिंह डी गौतम सिंह डी क्या बात है सभी ने झंडा गाड़ना शुरू कर दिया एक्सीलेंट मैं ये नहीं कर रहा हूं एक्सीलेंट आंसर है एक्सीलेंट अटेम्प्ट है आप लोगों का और अभी हम देखेंगे कि सही क्या है हो सकता है ये आपका आंसर सही हो हो सकता है गलत हो और कौन बताने वाला है जी चलिए न्यूलिन सिंह बी ओके बी पे आ गए एक ने आंसर चेंज किया और कोई बताने चाहे कमऑन कमॉन एनी आइडिया ऑल राइट चलिए अब मैं पढ़ देता हूं फटाफट से स्टेटमेंट अब देखते हैं गलती कहां पर आप लोगों ने सौम्य सिंह ए सो सौ सिंह बी अगेन ओके नबार टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ऑल राइट है ना दिस इज योर टारगेट एक्सीलेंट तो

वो ये है कि आपने स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ी अब ध्यान से पढ़िए इसको इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इट्स वन ऑफ द द ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस लेवल ऑफ न्यूट्रिशन तक बिल्कुल ठीक लग रहा है एंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ठीक है कौन सा ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ स्टॉक नहीं भाई लाइफ स्टॉक का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाना है लाइफ स्टॉक कीपर्स एंड फार्मर्स का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो बस ये क्वेश्चन जो है यहां से गलत हो जाएगा तो स्टेटमेंट क्या थी लाइफ स्टॉक कीपर्स एंड फार्मर्स तो उनका स्टैंडर्ड बढ़ाना है लाइफ स्टॉक का स्टैंडर्ड ही बढ़ाना कि उनको बड़े बड़े घर होने चाहिए उनके पास है ना लग्जरी चीजें होनी चाहिए लाइफ स्टॉक के पास नहीं गाय भैंस के पास जैसे वो तबेले में ही रहेंगे चाहे लगा दीजिए ठीक है बट स्टैंडर्ड उनका ऐसे नहीं बढ़ने वाला फाइन सो दिस इज द राइट आंसर सी क्योंकि ये गलत है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राष्ट्रीय गोकुल मिशन तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन अब आपको पता गोकुल मिशन है, है, तो, से है, तो, कुछ है तो चार जो गए, उनमें से एक नहीं है कौन सा नहीं आप देख लीजिए या फिर अगर कंफ्यूजन है न, तो देखिए एलिमिनेशन मेथड तो चलिए मैं आपको थर्टी सेकेंड देता हूँ काउंट डाउन शुरू होता है अब सो भरत का जवाब आ गया है ओके वेरी गुड बहुत फास्ट है अच्छा लगता है अभी देखते हैं बाकी क्या कहते हैं ए अनिले सिंह ए अनिके सिंह ए मंजुना सिंह सी गौतम वीर ओके इट्स ए एक्सीलेंट सभी ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया और आंसर भी सही है क्योंकि अब आप लोग मुझे लगता है

और जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो फार्मर्स के दोस्ट स्टेप पे अवेलेबल करना तो ये कुछ उसके ऑब्जेक्टिव हैं तो पहला जॉब वैसे चेंज हो जाता है और कब लॉन्च किया गया था जी दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था जी फाइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड सभी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं एक्सीलेंट है ना ऐसे पार्टिसिपेट कीजिए बड़ा मजा आता है फिर चलिए अगेन दो हमारे पास स्टेटमेंट हैं इनके बारे में पढ़ते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट दन इज इफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल स्कीम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड चलिए दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट दूसरी क्या है द क्लासिकल स्वाइन फीवर कंट्रोल प्रोग्राम इज बींगोकस्ड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन तो दो स्टेटमेंट है अब पूछा क्या गया उस पर ध्यान दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट याब ऑफ स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट हमें क्या कर ढूंढना है रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि अदरवाइज हम स्टेटमेंट पढ़ने में शायद गलती ना करें क्वेश्चन पढ़ने में गलती हम कर जाते हैं तो चलिए बताइए कौन बताने वाला है चार ऑप्शन है हमारे पास आपको दे जाते हैं ट्वेंटी सेकेंड ऑल राइट सो नीलेश ने आंसर दिया है डी चलिए और देखते हैं और कौन जवाब देता है इसका थैंक यू गाइस थैंक यू बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बताता है कि यस कि आप लोगों को समझ आ रहा है ऑल राइट गौतम सिंह राइट बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं आप लोग अटेम्प्ट करिए गलत होता है हार्डली मैटर सही होता है ये मत सोचिए कि आपने आंसर सही दे दिया। यहां पे सिर्फ पे ध्यान दीजिए सही गलत भूल जाइए यहां पे सही देने से कोई एग्जाम पास नहीं हो रहा अभी आपका अभी आप किस में, है? में हैं पाइपलाइन में है ना या गलत देने से आपको एग्जाम से डी बार नहीं किया जाएगा या अब आप फेल नहीं होने वाले सो आंसर दीजिए खुल के ओके मंजुनाथ सिंह सी ऑल राइट गुड एनी बडी चलिए अब देखते हैं तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये देखिए मेजोरिटी जो स्कीम होती है ना ये जितनी भी चलाती है वो स्टेट गवर्नमेंट कम चलाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए वो एग्जीक्यूट करती है बट लॉन्च जो की जाती है सेंटर ही करते है तो ये भी सेंट्री स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो गवर्नमेंट के बहुत सारे मिशन है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है करेक्ट हो जाती है दूसरी जो स्वाइन फीवर है उसके लिए कंट्रोल प्रोग्राम चलाया कहाँ पे क्योंकि बड़ा पॉपुलर चीज है जो पिग फार्मिंग है नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा की जाती है, है ना हमारे यहाँ कैटल करते हैं और कई एरिया जहाँ पे फिश

तो क्या होगा अब यहां पे आंसर उसने बोला नॉट करेक्ट तो दोनों तो करेक्ट है नॉट करेक्ट कौन सी नॉन ऑफ सो आंसर इज डी फाइन चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सो डी इज द राइट आंसर द मीट ऑफ गोट इज कॉल्ड व्हाट व्हील स्टीयर शिव या बीफ है ना वियर्ड सा क्वेश्चन है पर क्वेश्चन आते हैं है ना भाई से क्वेश्चन भी आते हैं जिन्हें हमें सब पता होना चाहिए बिकॉज यू गाइज इंटेलिजेंट और आपको सब पता भी होगा तो इसका आंसर कौन देने वाला है सी सी चिवान नीलेश गौतम मंजुनाथ नाबार्ड 2021 एक्सीलेंट अटेम्प्ट बहुत अच्छा जवाब दिया है फाइन तो आपको पता है कि ये है अगर वैसे भी देखा जाए तो बीफ तो नहीं होगा ये कन्फ्यूजन हो गई होगी कि ये क्या होते हैं ये मैं बता देता हूँ जी क्या होता है व्हील काफ के मीट को कहा जाता है स्टीयर क्या है ये बुलक को कहा जाता है जी जिसको मीट के लिए रेज किया जाता है तो पाला जाता है उसको स्टीयर बोला जाता है जी ऑल राइट गुड गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं द पोल्ट्री बर्ड्स विच आर रेज फॉर एग प्रोडक्शन उनको क्या कहा जाता है इज लेयर बी इज टर्की सी इज हैचर्स डी ब्रॉयलर तो कौन बताने वाला है मुझे इसका आंसर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सभी को पता होगा है ना जिसने थोड़ा सा पढ़ा ओके ब्रॉयलर न्यूली नायक से डी गौतम से लेयर ललित से हैचर मंजू से डी नीले सिंह हैचर अनिके सिंह लेयर है ना नाबा थाउजेंड डी तो सभी के जवाब अलग अलग आ रहे हैं चलिए है, मैं बताते हूँ इसका जवाब क्या होगा तो जो इसका जवाब है दैट इज लेयर ब्रॉयलर क्या होता है जी ब्रॉयलर विच आर रेज नॉट फॉर द एग प्रोडक्शन एग प्रोडक्शन वाले लेयर हैं हैं जो ब्रॉयलर है, वो मीट के लिए रेज किए जाते हैं तभी आप सुनते हो मार्केट में जब वर्ड यूज किया था ज्यादा चलता है वाइट से जो चिकन होते हैं वो ब्रॉयर्स है वो पर्टिकुलरली मीट के लिए रेज किया जाता है उनको जो एग के लिए क्या किया जाते हैं उनको लेयर्स बोला जाता है ठीक है जी टर्की इज सेपरेट बर्ड और हैचर्स

चलिए गाइज आइडिया लगाइए सो गौतम सिंह सी यस यस कॉन्सेंट्रेट ऑफ द क्वेश्चन ओके सो मंजूना सिंह डी गुड अटेम्प्ट बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं नीलेश जगिन सिंह सी हम्म ओके सी अब डी पे आ गए हैं न्यूली नायक ओके okay, नीलेश 45 फाइव टू सिक्सटी ओके 60 तक तो आप पहुंची गए फिर तो कंफ्यूजन कहां रह गया सी 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 पे गाड़ने वाले हैं अब आप देखिए आपको लग रहा है कि गलत क्या होगा सी गलत होगा क्योंकि इस पे आपको लग रहा है ना अब मुझे लग रहा है शायद आप आप स्टेटमेंट लोगों ने सही नहीं पढ़ी आप स्टेटमेंट थोड़ा सा स्किप कर गए हैं अगर आप स्टेटमेंट को देखें पहले स्टेटमेंट उठाइए क्या है इट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द विंटर सीजन की जो बैन लगाया जाता है विंटर्स में लगाया जाता है नो निके सिंह ये एक्सीडेंट तो ए इज द राइट आंसर कब लगता है ये मॉनसून में लगता है जी मॉनसून में मना कर दिया जाता है दो रीजन होते हैं उसके एक तो मॉनसून का सीजन होता है थोड़ा सा रफ वेदर भी होता है दूसरा ब्रीडिंग सीजन होते हैं ये वैसे थ्रू आउट द ईयर ब्रीडिंग सीजन होते हैं बट ये कहा जाता है कि ये ज्यादा होता है इस टाइम में सिक्सटी वन डेज के लिए फिशिंग एक्टिविटीज पे बैन लगा दिया जाता है जिसको हम फिशिंग बैन या फिशिंग हॉलीडे के नाम से जानते हैं तो एक्सेप्ट ए सभी स्टेटमेंट जो है वो सही हैं फाइन सो ये था हमारा सेशन अबाउट द एनिमल एंड फिशरीज फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो हिट द लाइक बटन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट और सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू बाय बाय गुड लक गाइस